नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोलिक ऑयल और गियर ऑयल के बीच कुछ डिफरेंस को देख लेते हैं। देखेंगे कि हाइड्रोलिक ऑयल और गियर ऑयल में बेसिक डिफरेंस क्या है, ताकि आप कोई भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोलिक ऑयल और गियर ऑयल में अंतर बताइए, तो आप उसको बता सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं वीडियो में आता हूँ। चलिए दोस्तों आज हम लोग गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, उसको हम लोग आज जानते हैं। मैं आप लोगों को गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल में जो बेसिक डिफरेंस है उसको मैं आज वन बाय वन करके बताऊंगा, ताकि आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे, या आप जब भी इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक सिस्टम या गियर सिस्टम का मेंटेनेंस करोगे तो आपको इजीली उसमें मेंटेनेंस करने में आसानी हो, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको फाइंड आउट करके आप उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सको। तो देखिए गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल जो आते हैं इंडस्ट्री में, उसको पहचानने के लिए कुछ ग्रेड्स होते हैं, जिनका नाम भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हम गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल को पहचानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट में आते हैं, गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल का डिफरेंस का पॉइंट। तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो जैसे गियर ऑयल के लिए बोल रहा है कि गियर ऑयल ग्रेड्स आर VG320, VG460, 10W30, 20W40। कह रहा है कि गियर ऑयल जो आते हैं उसमें कुछ ग्रेड्स होते हैं, जैसे VG320, VG460, VG मतलब विस्कोसिटी ग्रेड 320, विस्कोसिटी ग्रेड 460, और 10W30, 20W40। ये 10W30, 20W40 है जो दोस्तों, ये एक्चुअली व्हीकल का ट्रांसमिशन मतलब गियरबॉक्स में यूज किया जाता है, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, तो उसमें इस टाइप का कोडिंग वाला गियर ऑयल आता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। और जो इंडस्ट्री में गियरबॉक्स यूज किया जाता है उसमें विस्कोसिटी ग्रेड 320, विस्कोसिटी ग्रेड 460 इस टाइप के ग्रेड का ऑयल आता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। और दोस्तों जो हाइड्रोलिक ऑयल आता है उसमें कुछ ग्रेड्स आते हैं, जैसे VG46, VG68, VG32। तो ये जो 32, 68, 46 है, ये विस्कोसिटी ग्रेड को बताता है। इस टाइप के जितने भी ग्रेड का ऑयल आता है ये एक्चुअली हाइड्रोलिक ऑयल होता है, इसको हाइड्रोलिक ऑयल के रूप में जाना जाता है। तो अब जब भी आप इंडस्ट्री में देखोगे VG320 ग्रेड का ऑयल, तो आप उसको तुरंत जान जाओगे कि ये गियर ऑयल है, और अगर VG46 का ऑयल है तो उसका तुरंत जान जाओगे कि हाइड्रोलिक ऑयल है। ये पहला डिफरेंस है कि आप उसको कैसे ग्रेड से पहचानेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि मोर विस्कस देन हाइड्रोलिक ऑयल। दोस्तों ये जो गियर ऑयल होता है ये हाइड्रोलिक ऑयल से बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब इसका जो गाढ़ापन है, मोटाई है, ये हाइड्रोलिक ऑयल से ज़्यादा है। अब जब भी हाइड्रोलिक ऑयल और गियर ऑयल को सामने सामने रखोगे तो आप देखोगे कि गियर ऑयल जो है वो ज़्यादा विस्कस है, मतलब उसमें जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा है, और जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो कह रहा है कि लेस विस्कस देन गियर ऑयल, ये गियर ऑयल से कम गाढ़ापन होता है, ये पतला आपको दिखेगा। इसका जो विस्कोसिटी ग्रेड है या विस्कोसिटी जो है वो गियर ऑयल से हमेशा कम रहता है। जैसे गियर ऑयल में विस्कोसिटी 320 और हाइड्रोलिक ऑयल में विस्कोसिटी ओनली 46। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस गियर हाइड्रोलिक ऑयल, इसका गाढ़ापन गियर ऑयल के गाढ़ापन से कम है, मतलब विस्कोसिटी कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज थिक एंड लाइट वेट। जो गियर ऑयल होता है दोस्तों ये एक्चुअली बहुत थिक होता है, थिक मतलब मोटा होता है, इसमें गाढ़ापन ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका जो वेट होता है बहुत लाइट वेट, बहुत हल्का होता है। किससे? हाइड्रोलिक ऑयल से। हाइड्रोलिक ऑयल के लिए बोल रहा कि इट इज थिन एंड हैवियर देन गियर ऑयल। दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाइड्रोलिक ऑयल पतला होता है, लेकिन ये गियर ऑयल से मतलब ज़्यादा वेट का होता है, ये हैवी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूज होगा कि भाई गियर ऑयल का अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है हाइड्रोलिक ऑयल से, तो वो ज़्यादा मतलब वेट का होना चाहिए, वो हैवी होना चाहिए, उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए, और हाइड्रोलिक ऑयल का वेट कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों डेंसिटी मैटर करता है, डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा। तो गियर ऑयल का डेंसिटी जो होता है वो हमेशा हाइड्रोलिक ऑयल का डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए गियर ऑयल का वेट कम होता है और हाइड्रोलिक ऑयल का वेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ इफेक्टिव फॉर गियर। ये अच्छा पॉइंट है,
गियर ऑयल जो होता है वो गियर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। आप गियर ऑयल को हाइड्रोलिक ऑयल के रूप में यूज नहीं कर सकते, इफेक्टिव नहीं होगा बल्कि वो डैमेज करेगा। गियर ऑयल ओनली फॉर गियर के लिए ही इफेक्टिव होता है। आप गियर बॉक्स में जहाँ गियर यूज कर रहे हैं वहाँ पर गियर ऑयल को डाल दीजिए, आपका जो मशीन से या जो गियर बॉक्स है वो हेल्दी रन करेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम अगर हम हाइड्रोलिक ऑयल यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा बोल रहा कि इट इज़ इफेक्टिव फॉर हाइड्रोलिक मशीन, जितने भी हाइड्रोलिक मशीन है उसके लिए वो इफेक्टिव है। अब हाइड्रोलिक ऑयल को गियर ऑयल के रूप में यूज करोगे गियर बॉक्स में तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो डैमेज ही करते जाएगा और हमेशा प्रॉब्लम ही आते रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गियर ऑयल को हमेशा गियर में यूज किया जाना चाहिए और हाइड्रोलिक ऑयल को हमेशा हाइड्रोलिक मशीन में ही यूज किया जाना, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं करना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ अल्टर चेंज भी नहीं करना चाहिए कि भाई हम गियर ऑयल की जगह हाइड्रोलिक यूज करेंगे और हाइड्रोलिक ऑयल की जगह गियर ऑयल यूज करेंगे, ये आपको नहीं करना है। नहीं तो आप अच्छा करने के लिए जाओगे लेकिन हो जाएगा वहाँ पे ख़राब, मतलब बनने जाओगे हीरो हो जाएगा जीरो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो कह रहे कि इट इज कॉम्स विथ ईपी एडिटिव्स। मैं आप लोगों को दोस्तों एक वीडियो में बताया था कि जो गियर ऑयल होता है वो एक्चुअली बेस ऑयल और एडिटिव से बनता है, उसमें जो एडिटिव यूज किया जाता है वो एक्चुअली ईपी एडिटिव से एक्सट्रीम प्रेशर, मतलब कि जो एडिटिव्स होता है वो जब भी दो गियर एक दूसरे के साथ मैच करता है कॉन्टेक्ट में आता है तो उन दोनों गियर के बीच जो ऑयल है वो ऑयल एक पतला सा फिल्म लेयर बनाता है और वो लेयर क्या करता है कि दोनों गियर को हमेशा दूर, मतलब एक दूसरे से दूर पुश करना चाहता है, एक को इधर भागना चाहेगा एक को इधर भागना चाहेगा। इसका मतलब क्या हो कि दोनों गियर जब कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके बीच जो है कि मतलब एक पतला सा लेयर बनता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करता है, उसी को हम लोग एक्सट्रीम प्रेशर बोलते हैं और वही प्रेशर से दोनों गियर एक दूसरे से अपोजिट मतलब पुश होता है और आपका गियर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है और गियर बॉक्स हमेशा हेल्दी रन करता है। सेम जो होता है तो हाइड्रोलिक ऑयल में दोस्तों कह रहे कि इट इज कम्स विथ बेस ऑयल, इसमें भी एडिटिव्स होता है लेकिन इसमें बेस ऑयल का मात्रा ज़्यादा होता है और एडिटिव्स इसमें इस टाइप से मिलाया जाता है कि हाइड्रोलिक्स मशीन्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं वाल्व वगैरह होते हैं या पंप वगैरह होते हैं उसके लिए वो कॉम्पिटिबल हो, मतलब वहाँ पर ऐसे एडिटिव्स मिलाया जाता है कि वो हाइड्रोलिक सिस्टम में रन करे तो हाइड्रोलिक पार्ट्स को कोई डैमेज ना करे और सिस्टम को हमेशा हेल्दी बना के रखे, ज़्यादा वेयर एंड टीयर ना हो सिलेंडर वगैरह में या आपका जितने भी सील्स यूज होते हैं रबड़ में उसके साथ कोई रिएक्शन ना करे, नहीं तो हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। ये सारा कंडीशंस को देख के हाइड्रोलिक ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और गियर में जो भी कंडीशन है उसको देखते हुए गियर ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल का डिफरेंस देख लिए। अब अगर आपको कभी भी किसी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली इसको बता सकते हो कि हाँ गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इससे भी अलावा अगर कुछ आपको नॉलेज की ज़रूरत है तो आप कमेंट में उसको भी मेंशन कर दीजिए। धन्यवाद।